Morning and welcome back to my channel. It's me, Gulkuli Singh. So as you know by the title, I share करूँगी what I eat in a day. तो guys, मैं उठी थी सुबह 6 बजे और अभी हो रहा है 7 AM. तो मुझे 1 घंटा हो चुका है उठे हुए. तो आज मैंने plan out किया था कि आज मैं पूरे दिन का आपको routine share करूँगी क्या मैं खाती हूँ, क्योंकि अभी समर चल रहा है, हम हर चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहे हैं इतनी गर्मी में. लेकिन आपको जानना इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह का ईटिंग पैटर्न मैं फॉलो कर रही हूँ. तो आप भी सेम उसी तरह से अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अपना पैटर्न बना लो. गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, हमने किया है वेट को गेन, अब हम कर रहे हैं मेंटेन. ऑल्सो हम ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जर्नी पे हैं, तो हमारी बॉडी को चाहिए एक न्यूट्रिशंस वाली रिच प्रोटीन डाइट, जिससे हमारी बॉडी हो यू नो ग्रो करे, हेल्दी हो. तो उसके लिए आपको खाना इम्पॉर्टेंट है, और बिना खाए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसका कुछ भी ऑल्टरनेट है ही नहीं. गाइज, पुअर डाइट की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो आपको एक हेल्दी यू नो इंडियन मील डाइट लेनी है. मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं खाती कि जो अफोर्डेबल ना हो या फिर यू नो आपको बहुत ज़्यादा एफोर्ड करना पड़े. बहुत सिंपल डाइट चलती है मेरी. तो आज मैं जो आपके साथ शेयर करूँगी ना, वो ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम मेरी हर दिन ऐसा ही चलता है. हो सकता है आज मैंने कम प्रोटीन खाया है, तो कल मैं ज़्यादा खा लूँ, परसों थोड़ा और कम खा लूँ, या कब ज़्यादा खा लूँ. तो इस तरह से आपको अपनी पैटर्न को फॉलो करना है कि आप हर चीज़ खाओ, ठीक है. तो वो दिखाती हूँ मैं आज आपको. और वन मोर थिंग, अगर आपने मेडिसिन लीव कर दिया है, कौन सी वाली, वेट गेन वाली, और आपका एपेटाइट कम हो गया है, तो सबसे पहले पानी पीना स्टार्ट करो, 6 to 8 glass. वर्कआउट करो, बहुत इम्पॉर्टेंट है. और वर्कआउट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, वर्कआउट करोगे तो आपको नेचुरली ना आपका एपेटाइट भी इंक्रीज होगा, फिजिकली आप एक्टिव रहोगे तो भूख लगेगी, इसीलिए वर्कआउट भी इम्पॉर्टेंट है. तो आज मैं शेयर करती हूँ आपके साथ अपना पूरे दिन का रूटीन. सो गाइस, मैंने प्लेन वाटर को रिप्लेस किया है डाइजेस्टिव ड्रिंक से, इसे मैंने घर पर ही बनाया है. इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर रही हूँ स्क्रीन पे, बनाना बहुत इजी है, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, ऑल्सो एपेटाइट इंक्रीज करने में भी हेल्पफुल है, टेस्ट भी अच्छा है. तो अब मैं अपना बन को खोल रही हूँ, ज़्यादा देर तक मैं रख नहीं पाती. एंड ये मैंने लिया है अर्बैनिक से नाइट वेयर, जो कि बहुत कम्फर्टेबल है. सो नाउ आई एम टेकिंग 1 banana आफ्टर 45 minutes डाइजेस्टिव ड्रिंक के. अब मेरा डाइजेस्टिव ड्रिंक हो चुका है डाइजेस्ट, तो मुझे कुछ लाइट सा खाना था ब्रेकफास्ट करने से पहले. गाइज, अगर आप वेट गेन जर्नी फॉलो कर रहे हो तो यू नो दैट इसे मैं कितने टाइम से फॉलो कर रही हूँ. वैसे ऑफ स्क्रीन मुझे फॉलो करते हुए 2 साल हो चुके हैं, पर इसे मैं रेगुलर फॉलो करती हूँ 4 to 5 days वीक में. एंड इसे खाने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और सबसे बड़ा जो हमारे लिए बेनिफिट है वो ये है कि वेट गेन होता है. एंड बनाना के हमें बेनिफिट्स पता ही है गाइज. तो या मॉर्निंग टाइम विथ बनाना बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है, और टमी भी फुल हो जाता है. फिर मैं बनाऊँगी अपना ब्रेकफास्ट आफ्टर 1 hour. नाउ गाइज, मैंने बनाया है ओटमील. अभी 8 बज रहे हैं सुबह के, और मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है 10 AM का, तो अभी 2 घंटे बच रहे हैं. आजकल मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, तो कुछ ना कुछ मुझे खाना होता है, तो ये लाइट डाइट है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगी. और गाइज, इसमें ऐड कर लिया है एप्पल एंड थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, तो एक प्रोटीन रिच डाइट भी है, लाइट भी है, और वेट भी गेन हो जाएगा, और टेस्टी भी है. तो आज मैंने थोड़ा सा ही खाया था, फिर छोड़ दिया था. या सो गाइज, ये है मेरा ब्रेकफास्ट टाइम 10 AM. तो आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या खाऊं, सो आई थॉट चलो सैंडविच ही खा लेते हैं. बना लिया, इसमें चीज़ लगाया, थोड़ा सा इसमें टमाटर लगाया, अनियन लगाया, एंड पनीर की स्लाइस, और इसे मैंने बना लिया बटर से, और ये बन चुका है. तो एक फुल कार्ब्स और प्रोटीन मिक्स, थोड़ा सा प्रोटीन तो है इसमें, तो एक अच्छी डाइट बन गई. और साथ में मैंने जूस ले लिया. वैसे तो मैं चाय लेती हूँ, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है ना, चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो मैंने सोचा चलो आज जूस पी लेते हैं. वैसे मैं पैक्ड जूस बहुत कम प्रेफर करती हूँ, पर मेरा मिक्सर ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं शेक्स भी नहीं पी पा रही हूँ, तो इसलिए मैं जूस ले रही हूँ. और ये बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा.
एंड मेरे लिए एक सैंडविच ही काफ़ी था और ये टेस्टी भी था, तो मैंने खा लिया। एंड अब है मिड डे स्नैक टाइम, तो मैंने लिया है सीजनल फ्रूट मैंगो। तो गाइज अभी इतनी गर्मी हो रही है ना, कुछ भी खाने का मन नहीं करता मेरा, तो इसलिए मैं फ्रूट्स ही फ्रूट्स खाती रहती हूँ। मैंगो भी अभी अच्छे नहीं आ रहे, पर मैंने खा लिया, कुछ ना कुछ तो खाना ही था। एंड अब है मेरा शा टाइम, तो अभी मैं शा लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊँगी मामा अर्थ। गाइज आई एम गोइंग टू यूज मामा अर्थ उपटन फेस वॉश। दिस फेस वॉश इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। अगर हो गया स्किन पे टैनिंग, तो ये प्रोडक्ट आपको करेगा हेल्प टू गेट अ वेरी वेरी ग्लोइंग एंड अनइवन स्किन टोन, बिकॉज इट हैज सैफ्रन, टर्मरिक, कैरेट ऑयल एंड वॉलनट सीड्स। सो वी ऑल नो गाइज, टर्मरिक हेल्प्स इन अचीविंग एन अनइवन स्किन टोन बाय रिड्यूसिंग डलनेस एंड ब्लमिशेस, एंड इट हैज सैफ्रन विच रिमूव्स पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स। सो गाइज आपको मिलेगा बहुत अच्छा स्किन, एंड दिस इज बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फेस वॉश एंड स्क्रबिंग, सो इट विल एक्सफोलिएट योर स्किन टू। नेक्स्ट इज मामा अर्थ उपटन फेस मास्क, जो हेल्प करेगा सन टैन हटाने में, एंड इट हैज सैफ्रन, टर्मरिक, एप्रिकॉट ऑयल एंड पपाया। तो गाइज वी ऑल नो एप्रिकॉट ऑयल ग्रेट मॉइस्चराइजर होता है और डीपली स्किन को मॉइस्चराइज करता है। पपाया बहुत अच्छे से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। टर्मरिक में बहुत सारा गुडनेस होता है जो कि इंस्टेंट ग्लो देता है, एंड सैफ्रन में वाइटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सो ये स्किन को करेगा ग्लोइंग और सन टैन हटाएगा, और ये हर स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। सो आफ्टर फेस वॉश आपको लगाना है मास्क। इसे यूज़ करना है वीक में सिर्फ दो बार से ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करना है। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस प्रोडक्ट, यू कैन यूज़ माय कूपन कोड, यू विल गेट 20% डिस्काउंट। माय कूपन कोड इज गुलगुली 2022 एंड यू विल गेट 20% डिस्काउंट इंस्टेंटली। इसको रखना है सिर्फ 10 मिनट्स और वॉश कर देना है नॉर्मल वाटर से। एंड द बेस्ट थिंग, मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री एंड मेड अप ऑफ ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। एंड मामा अर्थ इज ऑल्सो एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज, सो एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड देयर ऑफिशियल एप्लीकेशन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ अब है मेरा लंच टाइम 2 PM, और मुझे कुछ ठंडा ठंडा खाना था, तो दही मैं ऐड करती हूँ रोज़ दिन में 2 बार मैं दही खा रही हूँ। बहुत अच्छा रहेगा पेट के लिए, बहुत अच्छा रहेगा, नेचुरली एपेटाइट भी इंक्रीज करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है, वी नो कि कितना अच्छा होता है। तो गाइज इसे मैं बना रही हूँ आपके सामने, बहुत सिंपल है और ये बहुत टेस्टी लगता है। इसे एक्चुअली मैंने ऐसा खाना अभी से स्टार्ट किया है, पहले मैं बस वो पानी वाला रायता पी लेती थी जो मम्मी बनाती थी, पर इसे मेरी बुआ ने बताया है कि कैसे बनाना है, तो मैंने इसे ट्राई किया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्ट आना चाहिए। अभी समर चल रहा है ना, तो बस टेस्ट के पीछे मैं भाग रही हूँ, कुछ भी टेस्टी टेस्टी चीज़ मिल जाए और मेरे पेट में चले जाए कैसे भी करके। गाइस ये बन गया है मेरा साउथ इंडियन पचड़ी। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली समर में खाई जाती है ये साउथ इंडिया में। एंड ये एक्चुअली मेरी बुआ ने बताया है, सामने मेरी बुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि पचड़ी बनाओ, बहुत अच्छी लगती है। एंड इसमें मैंने ऐड किया है हींग भी एंड जीरा, सो या ये बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी होगी। मैंने इसमें डाला है ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक ही तो डालना था, गार्लिक का, और उसमें मैंने व्हाइट सॉल्ट ही मिलाया था, बट ऊपर से मैंने ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। आई शो यू माई प्लेट, ये है काशीफल की सब्जी, थोड़ी से करेले एंड पचरी आई मीन रायता एंड 2 चपाती। गाइस मैं राइस नहीं खा रही हूँ, पर खाना चाहिए समर में, कल खाऊंगी। तो अब बच चुके हैं शाम के 5, तो मैंने लिया है नारियल पानी, इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। आई टेल यू स्मॉल स्टोरी गाइस, ये मुझे सिर्फ 20 रुपीज़ में मिला है, ओ माय गॉड कितना सस्ता, वैसे 50 रुपीज़ का एक पीस आता है, पर वो भैया अपनी शॉप बंद कर रहे थे तो कह रहे थे ले जाओ, तो मैं 25 नारियल उठा के ले आई हूँ, दिखाऊंगी मैं आपको अगली वीडियो में। यार इसके अंदर कितनी सारी मलाई है, कैसे निकलेगी मम्मी? स्पून से निकलेगी बेटा, स्पून से। ये देखो, हाँ नहीं निकलेगी, ये बहुत टाइट है, नहीं निकलेगी, ये देखो, ओ माय गॉड मुझे खानी है, खा लिया। खाओ खाओ।
देख रहे हो गाइस, सस्ते नारियल पानी की खुशी मुझे कितनी ज़्यादा हो रही है। सो यहाँ नारियल पानी पीना चाहिए, समर में ठंडा ठंडा भी रखता है और हाइड्रेट भी। मैं ले रही हूँ इवनिंग स्नैक टाइम में मैगी पास्ता, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। और ये मेरा प्री वर्कआउट मील भी है गाइस, मैंने बस इसे खाने के बाद ही वर्कआउट कर लिया था, कुछ और खाने का मन ही नहीं था। गर्मी इतनी हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं 17th फ्लोर पे रहती हूँ ना, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। और ये है वर्कआउट टाइम, तो मैं बेली वर्कआउट कर रही हूँ गाइस। और बेली वर्कआउट मैंने अभी करना स्टार्ट किया है, लाइक 4 या 5 डेज़ ही हुए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी इसके रिजल्ट्स भी और सारी एक्सरसाइज जो मैं फॉलो कर रही हूँ अपनी बेली के लिए। बहुत जल्दी आपके पास वीडियो आएगा गाइस, पर मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ, सून शेयर करूँगी गाइस। तो ये है मेरा पोस्ट वर्कआउट मील पपाया, ऐसे आपने कभी देखा नहीं होगा मुझे खाते हुए, पर यही मैं खा रही हूँ पोस्ट वर्कआउट मील में गाइस। ये भी खाना इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रेट रखता है, फ्रूट्स है तो विटामिन्स जाते हैं हमारी बॉडी में, और ये कॉन्स्टिपेशन भी बहुत अच्छा है। गर्मी में आप बस कुछ ना कुछ खाओ, ये इम्पॉर्टेंट है इंटरवल्स में। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और वर्कआउट करने के बाद तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतना ज़्यादा स्टार्टिंग हुआ है। तो अब मुझे जाना है नहाने, क्योंकि बिना नहाए मुझे नींद नहीं आएगी, वैसे मैं रोज़ ही नहा के सोती हूँ। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, जल्दी से आती हूँ और फिर डिनर भी करूँगी। एंड वन थिंग, हमेशा वर्कआउट करके इमिडिएटली मत नहाना, गर्म सर्द हो जाएगा। आई नो सबको पता है, बट फिर भी मैंने बता दिया, जल्दी से आ रही हूँ। अब है डिनर टाइम, मैं ले रही हूँ चिली पनीर की सब्ज़ी, 2 चपाती एंड अगेन कर्ड। तो गाइस पनीर मैं दिन में एक बार ज़रूर खाती हूँ, और इसी मील से मेरा हो रहा है वेट मेंटेन। और गाइस आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि आपको ईटिंग पैटर्न समझना है, और हर 2 घंटे पे आपको कुछ ना कुछ हेल्दी खाते रहना है, बहुत सारा पानी पीना है। इसमें मैंने शो नहीं किया, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, और मेडिसिन भी शेयर नहीं करी, पर आपको इसी तरह से खाना है रोज़ कुछ ना कुछ हेल्दी। और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको मेरा डाइट। एंड अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।